हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसी हैं? आपसे बात करती हूँ, आपसे बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हैं। एंड मैं हूँ प्रीति, एंड अगेन आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना होम डेकोर मीसो हॉल। मीसो से कुछ होम डेकोरेशन की चीज़ें मैंने मंगाई थी जो कि मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मीसो ऐप के बारे में बता दूं। मोस्टली लोगों को पता ही है, बट जिन लोगों को पता नहीं है, मीसो एक ऐसी ऑनलाइन ऐप है जहां से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और घर बैठे आप खूब सारा सामान मंगा सकते हैं। मीसो की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये और एप्स के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको कुर्ते, सूट्स, कुछ भी चीजें, आप होम डेकोर की चीजें मंगा रहे हैं या आप कोई भी ड्रेसेस मंगा रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके का कलेक्शन मंगा रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको इजिली अवेलेबल होता है। देन अगर आपको पसंद नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे इजिली रिटर्न कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस ऐप के थ्रू आप सेलिंग का काम भी कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं, वहां से मंगा के और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रेट रख के आप दूसरों को भी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा, यू नो, जो हाउसवाइफ्स हैं या जो घर बैठे काम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप कर सकते हैं तो। मीशो ऐप के बारे में तो आप सभी को पता चल गया। देन नेक्स्ट देन अब बढ़ते हैं हॉल की तरफ। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने दिवाली से पहले मंगाए थे, एंड दिवाली तक मुझे सब कुछ यू नो घर पे लगाना था, प्रिपेयर करना था। देन कुछ क्लिप्स मैंने तब से ले रखी हैं एंड कुछ मैंने अब आप लोगों से शेयर करी हैं कि लगाने के बाद वो कैसी लग रही हैं चीज़ें। और आपको आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप घर पे अगर अपने लगाते हैं या आप अपने घर के लिए लेते हैं तो वो लगा के कैसा लगता है, क्योंकि देखने में और लगाने में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो है एक बल्ब होल्डर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यू नो बहुत सारे लोग झूमर लेते हैं थोड़ा सा अपने घर की लाइटिंग के लिए, बट झूमर वहाँ पे अच्छा लगता है जिनका डाइनिंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है झूमर। बट जिन लोगों की यू नो अगर आप बालकनी में लगाना चाहते हैं या आप अगर आपका छोटा सा डाइनिंग रूम है वहाँ पे आप इस होल्डर को यू नो लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये हैंगिंग वाला है, इसे आप हैंग कर सकते हैं और इसमें जो है थ्री आपको हैंगिंग वाले ऑप्शन मिलेंगे जिसे आप छोटा बड़ा करके किसी भी तरीके से डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा बड़ा, छोटा एंड छोटा तीनों का एक ट्रायंगल बनाया जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर ये ऊपर से गिर भी जाता है तब भी नहीं टूटेगा। हाँ बल्ब टूट सकते हैं बट इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी है ओवरऑल, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा। और ये लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते, डिसेंट सा लग रहा है आप देख सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपके बल्ब नहीं आते हैं और LED बल्ब इसमें लगते हैं जो चूड़ी वाले होते हैं, नॉर्मल बल्ब इसमें नहीं लगेंगे। वो बल्ब आपको मार्केट में इजीली 150 के अराउंड मिल जाएंगे, 150 एंड 160 के अराउंड। मुझे 160 के मिले हैं 3 बल्ब, एंड मैं जो लाइट लेके आई हूँ येलो लाइट लेके आई हूँ क्योंकि वो येलो लाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मतलब आपके जो डाइनिंग रूम है उससे थोड़ा एक अलग सी चमक मिल जाती है। करूँगी कि अगर आप अपने घर को थोड़ा सा यू नो साइनी सा देखना चाहते हैं, अपनी बेड शीट्स एंड अपना सोफ़ा एंड इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा अच्छे से मतलब यू नो एक ब्राइटनअप होके देखना चाहते हैं तो आप येलो लाइट का यूज़ करें। व्हाइट लाइट तो नॉर्मली बल्ब में होती है तो आप येलो लाइट का यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट लगेंगी। इसके रेट की बात करो तो ये मुझे पड़ा है 599 का। इसका कोड मैं नीचे आपको दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी, अगर आपको परचेज करना है तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 599 का मुझे पड़ा है। एंड नेक्स्ट जो मैंने मंगाए हैं वो है ये कुशन कवर जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं इसकी कपड़े की बात करूं, टेक्सचर की बात करूं तो इसका जो कपड़ा है वेलवेट में है और बहुत ही शाइनी सा है और इसमें जो यू नो कढ़ाई हो रखी है वो 3D में है तो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने अपने डाइनिंग रूम के अकॉर्डिंग मेहरून कलर का मंगाया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा अपने सोफों के अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इसका कोड भी मैं नीचे मेंशन कर लूंगी, अगर आपको लेना है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। रेड कलर है, वाइट कलर है, मेहरून है जो मैंने लिया है, बहुत सारे कलर्स हैं अवेलेबल हैं। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला स्टफ नहीं है। बाकी अभी मैंने धुला नहीं है, धुलने के बाद पता चलेगा कि कैसा होता है, क्या होता है, सिकुड़ता है या कुछ होता है, बट अभी मैंने सिर्फ दिवाली के टाइम पर पहनाए थे। एंड देन जो फर्स्ट जो रिव्यू है मैं आपको बता रही हूँ वो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं देखने में। एंड वो वॉश करने के बाद पता चलेगा कि निकलता है कि नहीं निकलता, ओवरऑल मुझे लगता है कि नहीं निकलेंगे क्योंकि उसका जो स्टफ है, कपड़ा है, बहुत अच्छा है। सो बाकी धोने के बाद पता चलेगा कि कैसा होता है। और ये जो कवर्स है मुझे 450 के पड़ेंगे,
उस टाइम 450 के थे क्योंकि मिसो में सेल चल रही थी। आई डोंट नो अब क्या प्राइस इनका हो गया है, तो अब मैं कोड दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो ये तो थे कुशन कवर्स। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये फ्लावर, ये पर्पल जो फ्लावर है बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे लगे, बहुत ज्यादा। और मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए पॉट मेरे पास पड़े हुए थे, फ्लावर पॉट उनके लिए मुझे चाहिए थे, तो मैंने ये पर्पल कलर का फ्लावर मंगाया। इसमें व्हाइट भी है, पिंक भी है, बहुत सारे कलर हैं, पर्पल एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी है, बट मैंने ओनली पर्पल मंगाया क्योंकि पॉट पे रखे डेकोरेट करके बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत लग भी रहा है। और इन्हें आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं और गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं, मतलब ये वॉशेबल है, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है आपने, सिंपली इसे वाटर में निकाल के और फिर धूप में आप इसे ड्राई कर सकते हैं। सो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है, बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो ये भी मतलब मेरी तरफ से ओके है, बहुत अच्छा आया है। ये फ्लावर भी बहुत मुझे खूबसूरत लगे, ये मुझे पड़ा है 250 का पूरा एक पेयर पड़ा है, इसमें 6 से 7 टहनियाँ हैं, 4 से 5 टहनियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है ओवरऑल, मतलब मुझे अच्छा लगा। देन आप अगर डेकोरेशन के लिए, घर के लिए आर्टिफिशियल ये इस तरह के फ्लावर मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, फ्लावर पॉट पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक्चुअली मैंने मंगाए हैं ये वाले ब्राउन शेड के कर्टन्स मंगाए जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं कर्टन्स। इनका कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सिल्क में है और थोड़ा हैवी हैं ये। और ये जो कर्टन्स है इनमें व्हाइट कलर का बॉर्डर आपको ऊपर मिलेगा, व्हाइट कलर का और ब्राउन कलर का शेड मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरा जो रूम है उनमें क्रीम कलर का पेंट हुआ है, क्रीम कलर का पेंट हुआ है, तो मुझे जो कर्टन्स थे वो थोड़ा सा डार्क शेड में चाहिए थे और उनके साथ मुझे क्रीम का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो लकीली मुझे मिल गया था ये कॉम्बिनेशन। एंड बहुत मतलब जब ये आए तो मुझे अच्छा लगा, इनका स्टफ भी बहुत अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है एंड क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल गुड नॉट बैड। बट मुझे थोड़ा सा 4 कर्टन्स का ये सेट था, 2 का कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लगा एंड 2 का कलर मुझे थोड़ा सा फेड लगा, तो बट मतलब 1 या 2 का फर्क पड़ रहा है, 1-2 शेड का, बट ओवरऑल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, हैवी पड़ते हैं और बहुत अच्छे। ये मुझे पड़ा है 250 का एक पेयर, एक सॉरी एक 250 का पड़ा है, तो आप 4 लगा सकते हैं, मतलब ओवर जो शेट है वो 1000 का पड़ा, सॉरी 1000 के 950 का मुझे पड़ा है। सो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। सो अगर आप इसे मंगाना चाहते हो तो आप जाके चेक कर सकते। नेक्स्ट जो मैंने मीशो से मंगाई वो मंगाई बेड शीट, एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई है। बेड शीट्स में मुझे ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि उन्हें वॉश करो उनका कलर निकल जाता है, इनका अभी पता नहीं क्योंकि मैंने वॉश नहीं करी है, बट प्रिंटेड वाइज अगर मैं बताऊँ अच्छी है। हाइट वाइज अगर इनकी लेंथ की बात करें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेंथ बहुत अच्छी है। दूसरा इसका जो कपड़ा है स्टफ है बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा यू नो एकदम जैसे हम बेड सीट में बिछाते हैं ना सीट को तो इधर उधर होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिशा उनमें दिन भर उछलती कूदती रहती है लेकिन वो हिलती भी नहीं है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी इन बेड शीट्स की। दूसरा इनका जो पिलोज कवर है वो बहुत ज्यादा खुले हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर आप अच्छा यू नो हैवी पिलो भी उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो ईजिली आ जाएगा, तो वो मुझे अच्छा लगा। अभी तो अगर कपड़े की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी अच्छी लगी, अगर कलर नहीं जाएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एकदम पैसा वसूल प्रोडक्ट है, बट अगर कलर नहीं जाएगा ये जो कॉटन भी नहीं है और ये यू नो जो दूसरे टाइप के सिल्क टाइप के चदर आते हैं वैसा भी नहीं है, ये खादी टाइप में जो कपड़ा आता है उस टाइप में ये है। इसका जो स्टफ की बात करूँ खादी टाइप में है, बहुत मोटा सा स्टफ है, बहुत मोटा कपड़ा, आप इसे विंटर्स में भी बिछा सकते हैं, समर में भी बिछा सकते हैं, दोनों टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है तो ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाली जो मैंने बेडशीट मंगाई है इसका मुझे कलर थोड़ा सा डिफरेंट मिला, जैसा कलर मैंने मंगाया था वैसा कलर नहीं मिल पाया, मतलब थोड़ा सा फेडेड से इसका कलर मुझे लग रहा है, बट अगर प्रिंट की बात करें बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरे में ये क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन जब सामने मैंने बिछाया है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी भी क्वालिटी अगर हम कपड़े की क्वालिटी की बात करें बहुत अच्छा है, पिलो का साइज के जो कवर्स हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, सो ओवरऑल अच्छा है। नेक्स्ट जो है मैंने मीशो से साड़ी ऑर्गेनाइजर भी मंगाए हैं, साड़ी को आप अपने कैसे ऑर्गेनाइज किसी भी कपड़े को हो अलग अलग कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इस तरीके का। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप इससे जो है आपका कवर जो है बिल्कुल भी मैसी नहीं होने वाला है, और अगर हो भी जाएगा तो आप 1-2 हफ्ते में उसे फिर से इजीली रख सकते हैं। वैसे मैं दिमाग में बात नहीं आती कि हम कपड़ों को कहाँ रखें कहाँ ना रखें, इनमें आप अपनी नई पुरानी साड़ियों को अच्छे से एक साइड नई साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके से रख सकते हैं, पुरानी साड़ियों को सूट को कुर्ती इसको अलग अलग आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो ये भी बहुत बेस्ट है। इसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आप अपने कवर को क्लीन और नीट रखना चाहते हैं, बहुत ही बेस्ट है।
इसकी अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में आपको मिल जाते हैं, अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्राइस वही मिलेगा। सो ये सारी चीजें मैंने मंगाई थी, अगर आपको चेकआउट करने होंगे तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप इजीली इनकी क्लिक लेके भी वहां पे डालेंगे मीशो में तो आपको इजीली ये प्रोडक्ट्स आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो आज का ये था आज का मीशो हॉल, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।